हाय एवरीवन, माय सेल्फ पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में तीन चार इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर का जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या डिसीजन आया। साथ ही अपन बात करेंगे नीट पीजी का जो काउंसलिंग का केस था उसमें क्या डिसीजन आया, इससे आपकी नीट यूजी की काउंसलिंग पे क्या फर्क पड़ सकता है, आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है इस बारे में बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। आप काउंसलिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट होंगे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, साथ में आपकी काउंसलिंग में आपकी ऑल इंडिया से कॉलेज लें, स्टेट कोटा से कॉलेज लें, आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में अपने जो भी डाउट है इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस की हियरिंग थी नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, जिसमें हिंदी मीडियम के जो बच्चे थे उनने क्वेश्चन को, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन गलत था, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन सही था, तो उसके रिगार्डिंग केस किया था, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि तीन लोगों की आपकी कमेटी बनाई जाएगी, वो देखेगी कि क्वेश्चन असली में गलत था, ठीक है, या फिर ठीक था। तो उसका फाइनल वर्डिक्ट अभी नेक्स्ट हियरिंग में आएगा, अभी उसको 30 नवंबर तक टाल दिया गया डिसीजन को, ठीक है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग से रिलेटेड, वो नीट पीजी की काउंसलिंग के रिलेटेड जो केस पर डिसीजन आया उससे रिगार्डिंग है, उसको अभी आपकी 4 वीक्स तक टाल दिया गया, ठीक है, 6th of January 2022, ठीक है, यहाँ तक आपकी काउंसलिंग नीट पीजी की टाल दी गई है। तो इसका सीधा सीधा फर्क आपकी नीट यूजी की काउंसलिंग पे भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीट पीजी और नीट यूजी, ठीक है, दोनों में आपकी एमसीसी काउंसलिंग करवाती है और दोनों में रिजर्वेशन पॉलिसी सेम होनी है, ठीक है। तो आपकी नीट यूजी की काउंसलिंग भी शायद 2021 में शुरू नहीं होगी, 2022 में जनवरी में, 6th of January के बाद में ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, अब ये लग रहा है जो डिसीजन आया अभी तक यही लग रहा है, ठीक है। अभी 4 वीक का टाइम दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस से इसके बारे में सोचने के लिए, तो अभी आपकी 4 वीक तक शायद काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो डाउट है, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट आ रहे हैं आप लगातार मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है, आप मेरे को टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मैसेज आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अनअकैडमी पे एक सेशन रखा है, लाइव सेशन है वो, पिछली बार भी बहुत सारे लोग आए थे उस काउंसलिंग के सेशन में, इस बार भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 25 नवंबर को आपका काउंसलिंग का सेशन है, आज शाम को 8 बजे, ठीक है। आप जितने भी डाउट है, जो भी डाउट है आप सोच लीजिएगा, आप पूछ सकते हैं लाइव, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म पे, आपको अनअकैडमी पे क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो और मैं आपको डाउट, आपका जो भी आपका डाउट होगा काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको आंसर कर दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, जो सेशन आज रात को 8 बजे होने वाला है उसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को ओपन करके एनरोल कर लीजिए, ठीक है। सिंपली क्या करना है, एनरोल करने के लिए आपसे कोड पूछा जाएगा, कोड यूज करना है PULKIT10, ठीक है, आपको ये कोड यूज करना है, इसके बाद एनरोल कर पाओगे। 8 बजते ही जैसे सेशन स्टार्ट होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आप शुरू से सेशन में आइए, और भी बहुत सारे बच्चे डाउट पूछेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग कैसे होती है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग है, नीट की इतनी आसान काउंसलिंग होती नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा इस सेशन में आना। इसके अलावा आप संडे को जो कॉम्बेट होने वाला है कॉम्बेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगेन आपको ये कोड यूज़ करना है PULKIT10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप कॉम्बेट में पार्टिसिपेट करके अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको बहुत सारे गिफ्ट वाउचर और साथ में अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो डेफिनेटली टेस्ट दीजिएगा और आज के सेशन में डेफिनेटली आइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाके एनरोल कर लीजिए, जिससे आपको जैसे ही सेशन स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।